बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद व आलु। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एंड द टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, राइट? सो दीज आर ऑल अल्कीन, अल्कीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, राइट? डबल बॉन्ड, डबल bond, double bond. So here are 7 different type of alkene, right? So these are the line structure of alkene. Line structure, ठीक है? Line structure क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम को खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ बॉन्ड बाकी होते हैं, सिर्फ बॉन्ड. जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास इथीन है ना, तो Ca2 डबल बॉन्ड Ca2, ठीक है? अब कार्बन हाइड्रोजन को खत्म कर दो, पीछे क्या बचा जी? ये डबल बॉन्ड, ठीक है? तो ये इथीन का लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन स्ट्रक्चर है. ऐसे ये प्रोपीन का जो है लाइन स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटीन का, ये पेंटीन का, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जो है ना ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ये डबल, ठीक है? जैसे ये हो, जैसे ये Ca2 है, ये CH3 CH2 है, ये CH3 CH2 है, ठीक है? हाँ जी, ऐसे. तो ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं कि यहाँ हो, ठीक है? जहाँ होगा वहीं लिखेंगे हम, ठीक है? हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये आपके पास नंबर 3 कार्बन पे भी हो सकता है और नंबर 5 पे भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो कहीं भी हो सकता है, जहाँ होगा वहाँ बना देंगे. ओके, तो ये लाइन स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, उसके हवाले से मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको. बाकी रही बात कि इसके रूल्स हैं, वेरी वेरी सिंपल रूल हैं. नोमेनक्लेचर में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. नंबर 1 रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड. लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा. मसलन यहाँ 2 चेन आपको नजर आ रही हैं, एक ये सीधी और एक यहाँ से यहाँ जा रही है, या एक यहाँ से यहाँ, ये 3 चेन्स हैं, ठीक है ना? आपने इन तीनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो. तो ये आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे. हाँ, यहाँ से आगे फिर 2 ऑप्शन है, या ऊपर चले जाएं या इधर सीधे आ जाएं. तो ये चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों ही लॉन्गेस्ट हैं, तो जिधर मर्जी आप जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया? हाँ, चाहे यूँ सीधी सिलेक्ट कर लें, चाहे यूँ ऊपर सिलेक्ट कर लें, समझ आई? उसके बाद ये आ गया जी, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये आपके पास चेन ही 2 हैं, ठीक है ना? या यूँ ये आपके पास है, या फिर यहाँ से ये आपके पास है. तो बहरहाल ये दोनों ही लॉन्गेस्ट हैं और दोनों में से आप जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है? हाँ, चाहे यहाँ से ऊपर चले जाएं, चाहे इधर नीचे आ जाएं, डबल बॉन्ड इसके अंदर मस्ट होना चाहिए. ये वैसे ही सिंपल है जी, एक ही चेन है, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है? डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये भी ऐसे ही है. यहाँ आ जाएँ तो इसमें लॉन्गेस्ट देखें, तो यहाँ से यहाँ यूँ चलते चलते, ठीक है ना? हाँ जी, तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट बन रही है, ये यूँ यहाँ पहुँचे और यहाँ और ये, ठीक है ना? ये लॉन्गेस्ट है, ठीक हो गया जी? हाँ, डबल बॉन्ड इसके अंदर आना चाहिए. ये लॉन्गेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? आपने बाकायदा काउंटिंग करनी है, कार्बन एटम की काउंटिंग करनी है. 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया जी? हाँ, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट ये बन रही है. बाकी अगर ये गिने 1 2 3 4 इधर जाएँ तो 5, ये लॉन्गेस्ट नहीं है. नीचे भी आए तो 5, ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है? हाँ, इधर इसको गिने, यूं गिनने बेशक 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपके पास 2 लॉन्गेस्ट हैं, दोनों सेम हैं, लिहाजा जो मर्जी सिलेक्ट कर लें. उसके बाद है जी, ये आपके पास ये 2 चेन है, एक ये जा रही है और एक यूं जा रही है, ठीक है ना? 4 कार्बन है इसमें, जो मर्जी सिलेक्ट करें. तो ये वैसे विदाउट एक ही लॉन्ग चेन है, ठीक है ना? एक ही चेन है, यही आपकी लॉन्ग है. ओके, अब बाकायदा इसको सिलेक्ट करते हैं जी. अब हमारा लास्ट स्टेप नेमिंग का चल रहा है. नेमिंग में क्या है जी कि पेरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और उसके बाद पेरेंट नेम, ठीक है? पेरेंट नेम में ईन आएगा क्योंकि अल्कीन है. तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये देखिए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पहले इस मालिक्यूल को देखें. पोजीशन डबल बॉन्ड क्या है जी? 1 2 किधर में आना है, तो जो मिनिमम नंबर है वो आपने लेना है, ये याद रखिए 1, तो 1, ठीक है? ब्यूट ईन, ठीक है ना? ईन क्यों आया है? अल्कीन की वजह से, समझे? उसके बाद यहाँ देखें जी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 1 2 के दरमियान है, तो 1 मिनिमम नंबर 1 लिया. पेंटीन, ये 5 कार्बन है, तो पेंटीन, ठीक है? हाँ, ईन अल्कीन की वजह से आ रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन आ रहा है, ठीक है? हाँ, गोया ये ईन की आपने पोजीशन बताई है 1, यहाँ भी ईन की आपने पोजीशन बताई है 1, यानी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे। अब अगर आपके पास अभी सब्स्टिट्यूएंट को रहने दें, बाकी देखें तो वही है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है 2 और 3 के दरमियान, तो मिनिमम नंबर आया 2 और बाकी ये 6 कार्बन है तो 2 हेक्सीन, ठीक है। हाँ, 7 सब्स्टिट्यूएंट चूंकि आ गया है मिथाइल है और 5वीं पोजीशन पे है तो 5 मिथाइल आ गए, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट आप जानते हैं कैसे करना है, अल्केन में आप सारा सीख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ देखें जी डबल बॉन्ड कहाँ पे है 2 पे, 2 और 3, तो ये कार्बन कितने हैं 6, तो 2 हेक्सीन, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है एन प्रोपाइल, ठीक है ना, स्ट्रेट एन प्रोपाइल, 3 कार्बन है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है भला 3 पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 3N प्रोपाइल स्टार्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल ये मैंने इधर लिख दिया, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और बाकी वही है जो ऊपर लिखा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और पेरेंट नेम, ठीक। ओके, अब यहाँ आ जाएं तो क्या है जी, डबल बॉन्ड कहाँ पे है पोजीशन नंबर 2 पे, तो 2 कार्बन कितने हैं 6, ठीक है, तो ये 2 हेक्सीन। 7 सब्स्टिट्यूएंट देख लें, सब्स्टिट्यूएंट ये 4 पोजीशन पे, मिथाइल ये एक और मिथाइल 4 पोजीशन पे, ये मिथाइल पोजीशन नंबर 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 4 4, और मिथाइल अलग लिखने के बजाय इकट्ठा ही प्रीफिक्स के साथ ट्राई मिथाइल, ये आपने इजाफा कर दिया। यहाँ देखें जी सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के देखें पहले, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है 2 और 3 के दरमियान, तो 2 4 कार्बन है 2 ब्यूटीन, और देखें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है पोजीशन नंबर 2 पे, तो ये आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन गया। और उसके बाद रहा ये, इसके लिए अलग रूल है क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें 2 आ गए हैं, तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा आ जाते तो डाई ट्राई की प्रीफिक्स लगाते थे, ऐसे ही अगर आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 आ जाएं, ये ज़्यादा आ जाएं तो फिर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा की लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो पहले आप पोजीशन बताएंगे, ये पहला डबल बॉन्ड 1 2 के दरमियान तो 1 आ गया, दूसरा डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान तो 3 आ गया, तो 1 3, तो ब्यूटीन जहाँ आपने लिखना था ना वहाँ आपने ईन के स्टार्ट में डाई लगा दिया, ठीक है। हाँ, जिससे पता चला कि ईन 2 हैं, ये ईन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड 2 हैं। शुरू में आपने पोजीशन बता दी कि उनकी पोजीशन 1 3 है, और फिर उनकी तादाद भी बता दी कि वो कितने हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके पास जो नोमेनक्लेचर होती है ना IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, वो तो एवरी डिफरेंट कंपाउंड हैव अ डिफरेंट नेम, ठीक है ना। हाँ, स्पेसिफिक हर कंपाउंड की इतने वो सिस्टमेटिक और मुनज़म उसके रूल हैं, ठीक है। हाँ, कि कोई से 2 कंपाउंड मुख्तलिफ कंपाउंड आपस में नेमिंग में मिक्स नहीं हो सकते। ओके, लॉन्गेस्ट चेंज है वो सिलेक्ट होगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। बाकायदा इसे मार्क करना है, निशानदेही करनी है, ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ठीक है ना। ये बाकी जो है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक हो गया। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे जी, नंबर 2 हमारे पास है नंबरिंग। किसको, किसकी नंबरिंग, सिलेक्टेड चेन की नंबरिंग किसकी करनी है, जो चेन आप सिलेक्ट कर चुके हो उसकी। कैसे करनी है, विद मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले उस साइड से आपने करनी है, ठीक है ना। हाँ, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ठीक है ना। हाँ जी, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ज़ाहिर है इधर से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसकी इधर से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा, इसकी इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि इधर से इसको मिनिमम नंबर मिलेगा। ये जो है ये हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक, किसी एक सिरे से जो करनी है इधर से करेंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है। ये जो है, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया दोनों तरफ से बराबर है तो जिधर से मर्जी कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो फिर जिधर से मर्जी, लेकिन यहाँ यानी हमने प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देनी है, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की वजह से कोई प्रेफरेंस ना हो रही हो कि जिधर से मर्जी इख्तियार आपके पास आ जाए, फिर जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब है तो फिर इधर से करेंगे, समझ आई। हाँ, आपने सब्स्टिट्यूएंट को पहले नहीं देखना, पहले डबल बॉन्ड को देखना है वो किधर से करीब है, और अगर वो बराबर फासले पे हो दोनों तरफ से तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि वो किधर से करीब है, ठीक है, उसको कौन सा मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को फिर मिनिमम नंबर दें, ठीक है। हाँ जी, ये आपके पास है, ये जिधर से मर्जी, क्योंकि इधर भी स्टार्ट में डबल बॉन्ड है, इधर भी स्टार्ट में, तो बराबर पे खड़े हैं, तो जिधर से मर्जी आप नंबरिंग कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये नंबरिंग होगी जी, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किसकी करनी है? सिलेक्टेड चेन की करनी है, जो सिलेक्ट आपने ऑलरेडी कर ली है, और किधर से करनी? जिधर से डबल बॉन्ड करीब हो, ठीक है। हाँ, इसको देखें 1 2 3 4 5 6, इधर से डबल बॉन्ड करीब है तो 1 2 3 4, इधर से डबल बॉन्ड करीब है तो 1 2 3 4 5, इधर से डबल बॉन्ड करीब है तो इधर से शुरू की 1 2 3 4 5 6, इधर से डबल बॉन्ड तो बराबर है दोनों तरफ से, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब है तो इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4, और ये जिधर से मर्जी कर लें, चाहे 1 2 3 4 चाहे इधर से कर लें, वो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी नेमिंग कंफर्म। पहला क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्टिंग, नंबरिंग, नेमिंग, तीन स्टेप हैं, सिलेक्टिंग, नंबरिंग, नेमिंग जी। तो नेमिंग कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फिर पेरेंट नेम, बहुत सिंपल है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फिर पेरेंट नेम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फिर पेरेंट नेम आ जाएगा। हाँ, कहीं कहीं साथ सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो फिर पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फिर पेरेंट नेम, ठीक है। हाँ, यानी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के साथ आपने पेरेंट नेम जो लिखना है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसके स्टार्ट में सिर्फ इजाफा क्या कर देना है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बस, ठीक है, ये वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट, subscribe it and comment in comment box and ask question in comment box. Allah Hafiz.